एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर कहता है। बहुजन समाज पार्टी में थे जग जाहिर है, फिर भाग के गए भाजपा में, फिर भाग के गए सपा में, यही ना है। वो करें तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। बारे बार मौर्या जी, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है, उसी तरह के नेता हैं ये नेता। दुमहिया सांप हो गए हैं, हर सरकार का अलग अलग नाम है। ये बुलडोजर की सरकार, समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार, कांग्रेस पार्टी गरीबों को हित करने की सरकार के नाम से जानी जाती थी, बहुजन समाज पार्टी कानून के राज की सरकार, ये सरकार बुलडोजर नीति से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार की नीति से आगे बढ़ रही थी। अभी आपने नहीं देखा, राम गोपाल जी जिसके ऊपर 100 मुकदमे लिखे गए हों, उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले, पिछड़ों की दुहाई देने वाले, जब 68,500 में 5% रिजर्वेशन सामान्य वर्ग बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को नहीं मिला, तब उसको लेकर के मुख्यमंत्री से नहीं मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, सरकार भी कह रही है, हाईकोर्ट कह रही है, पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है, इसके लिए राम गोपाल जी मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, लेकिन अपराधी को बचाने के लिए जरूर मिलेंगे। जो पॉलिटिक्स बिहार से चली शूद्र की, यूपी में समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाकर पहुंचा दिया। जब उनको समझ में आया कि अब हम डूबने वाले हैं, तब पाबंदी लगी है। अब पाबंदी लगी है, समाजवादी पार्टी के किसी नेता से पूछेगा कि शूद्र पर कुछ बोलिए, वह नहीं नहीं हम गड़बड़, ये बयान हम लोग दिए नहीं थे, अब मुकर जा रहे हैं। अखिलेश जी के विषय में हम क्या कहें, जो बात वो बोल रहे हैं, 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया, पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण जो मिल रहा है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको दे, मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हम दिशाविहीन हैं कि वो दिशाविहीन थे? अगर उनको ज्ञान होता तो और जातियों को हिस्सा दिलाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते। 15 सितंबर 2013 को ही हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक समान शिक्षा लागू करे। मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव जी। दिशाविहीन कौन? मुख्यमंत्री थे वो। और आज अगर यहाँ जितने लोग जुटे हैं, अभी आपके सामने हम प्रमाण दे देंगे, घरेलू बिजली के बिल से सब लोग परेशान है ना? क्या इन्होंने कोई युक्ति बनाई कि गरीबों को क्या चाहिए? घरेलू बिजली का बिल अगर ये कानून बना दिए होते कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करते हैं अपने प्रदेश में, बड़ी प्लांट की चर्चा करते हैं कि बड़ी यूनिट हमने लगाई, हमने बहुत बिजली खरीदी, लेकिन गरीबों के लिए आपने क्या किया? आप अगर 300 यूनिट बिजली फ्री कर देते जनरल सबको, तो आज ये गरीब बिजली के बिल से परेशान नहीं होता। समाज के उत्थान की बात करने वाले अखिलेश जी करते हैं, हम तो कहते हैं पिछड़े दलित के दो दुश्मन, ये दोनों कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दुश्मन है, तो हम तो कहते हैं अखिलेश और मायावती ये दो दुश्मन है। अगर ये दोनों पिछड़े दलित के हितैषी हैं, तो फिर अलग अलग क्यों लड़ते हैं? इन दोनों, ये दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? ये दोनों अपने स्वार्थ में, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया है, ये हिंदू धर्म कहने वाले लोग फिर हिंदू को सताते क्यों हैं? हम आपका ध्यान उन्हीं के बयान पे ले चलता हूँ, लालू यादव के, वो भी तो हिंदू हैं। फिर उनके खिलाफ 5 साल से CBI जांच क्या कर रही है, ED जांच क्या कर रही है? अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ, वो भी हिंदू है, संजय राउत के खिलाफ हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया सरकार के ऊपर, जो ठेकेदार हैं हिंदू के, तो हिंदू को सता क्यों रहे हैं? हिंदू में दो जाति हम मानते हैं, बड़ी, बड़ा भाई और छोटा भाई। बड़ा भाई छोटा भाई का हिस्सा क्यों नहीं दे रहा है? आज आजमगढ़ में बता दीजिए, एक थाने पर 36 थाने हैं, एक थाने पर राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, पाल का, प्रजापति का, कुम्हार का, चौरसिया का बेटा, दरोगा है, कौन हिस्सा नहीं दे रहा है? हमारा बड़ा भाई हिंदू, अगर जो हिंदू की बात करते हैं, तो एक हिंदू की, हिंदू हिंदू का हिस्सा क्यों नहीं लूट रहा है, क्यों हिस्सा नहीं दे रहा है? एक सिर्फ गुमराह करके वोट लेने की साजिश है, कैसे वोट मिले इसके लिए काम हो रहा है।